सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करते हैं कितने बजे आप देख रहे हो। नाउ आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो थाईलैंड आज की डेट में लेके रखा है अगर हम इंडिया से ट्रैवल करते हैं और वर्ल्ड वहाँ से वापस आना पड़ता है। थोड़ा एक क्लैरिफाई कर दूँ, थाईलैंड में टूरिज्म लेके एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग मेरे को मैसेज में पूछते हैं शुड वी कैंसिल एंड ऑल दैट। नहीं, कैंसिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट ओनली थिंग इज दैट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करके पूरे सिनेरियो को रखा है ना, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ एक एक करके हैंडल करते हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दिस एंटायर वीडियो बिकॉज मैंने अलग अलग एरियाज मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है ताकि आपसे हम लोग डिस्कस कर पाए। फर्स्ट थिंग, आप जब जा रहे हो थाईलैंड, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि हमको कोविड सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा एंड ऑल दैट। सो टेक्निकली इफ यू आर गोइंग टू थाईलैंड आपको कोविड सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। हैविंग सेड दैट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वो लेके चलना इनकेस यू आर डबल वैक्सीनेटेड। हैविंग सेड दैट, डबल वैक्सीनेटेड हो या ना हो, थाईलैंड में आज कोई भी जा सकता है, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि आपका पहला दिन का जो होटल बुकिंग है वो आप पेड करके चलना। कहीं पे लिखा नहीं है बट देन बहुत बार आई हैव सीन सम ऑफ द ऑफ लेट इमिग्रेशन वालों का नाटक चल रहा है कि अरे आपका ये आइटिनरी फिक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो पहला दिन का जो होटल स्टे है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बुक करके जाना। बहुत सारे चीप होटल्स वगैरह मिल जाएगा एंड वी हैव मल्टीपल वीडियोस इन आवर चैनल हाउ टू बुक चीप होटल्स एंड हाउ टू बुक चीप फ्लाइट्स। वो जाके देख लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद। द थर्ड ऑफ कोर्स इज दैट कि आपको 10,000 का थाई भात आपको मिल जाएगा, एज इन कैरी करना पड़ेगा अगर आप पर्सनली ट्रैवल कर रहे हो तो, एक अकेले बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो। एंड आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो 20,000 थाई भात लेके चलना। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कैश, कैश कैरी करना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडिशनली 10,000 एंड 20,000 के ऊपर प्लीज कैरी 2,200 भात पर पर्सन इन कैश फॉर वीजा ऑन अराइवल। आप कुछ भी कर लो, US डॉलर, ये डॉलर, वो डॉलर, कुछ भी बोलो, वो लोग सुनेंगे नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड देर आर मल्टीपल वीडियोज इन माई चैनल वेर आई हैव सेड क्या क्या प्रॉब्लम हुए लोगों को एंड ऑल दैट। सो दैट इज देयर। सो इंडिविजुअल अगर है तो 12,200 थाई भात इन कैश, फैमिली के साथ अगर जा रहे हो तो 20,000 फॉर फैमिली अलग से, एडिशनली 2,200 भात इन कैश वो लेके आपको चलना पड़ेगा। थर्ड फिफ्थ रादर ऑफ कोर्स इज दैट वीजा ऑन अराइवल, खैर आज की डेट में ये 2,200 का खर्चा है विच इज ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज इन इंडियन करेंसी और आपको 30 दिन का स्टे मिल रहा है। नाउ और दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन है, दे विल बी एक्सटेंडिंग या नॉट एक्सटेंडिंग दैट 30 दिन वाला स्टे आर नॉट, उससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन चालू है, वो शायद क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी ये कि नॉर्मली वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस इज अलाउड फॉर 15 डेज, 1st October onwards, 2022 हमको 15 दिन से जगह 30 दिन मिल रहा था। अब ये 30 दिन का कंटिन्यूएशन मार्च के बाद भी होगा कि नहीं, उसका क्लैरिटी अभी तक आया नहीं है। सो दैट्स देयर। द नेक्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज दैट अगर आप चाहो तो BLS से आप कर सकते हो वीजा फ्रॉम इंडिया, कुछ 2,500-3,000 इंडियन करेंसी में आपको हो जाएगा एंड आप बाय डिफॉल्ट 60 दिन रह सकते हो। डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चाहे तो जाके देख लेना। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड अ स्मॉल लाइन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अवर स्पॉन्सर्स, देखते हैं उसको। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं तू इतना ट्रैवल कैसे करता है बे? एक्सिस बैंक विस्तारा कार्ड, वंडरफुल कार्ड। एक तो आप साइन अप, सक्सेसफुल साइन अप जब करोगे आपको एक फ्री एयर टिकट मिल जाएगी, वो यूज कर लो। थ्रू आउट द ईयर जितने जितने आप ट्रैवल करते जाओगे, जितने आप स्पेंड करते जाओगे रादर, आपको एयर टिकट मिलती जाएगी। ये देखो मैंने बेनिफिट लगा के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके यूज करो एक्सिस बैंक विस्तारा कार्ड। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल कार्ड, आई हैव बीन यूजिंग इट। बाय द वे लाउंज एक्सेस भी फ्री मिलेगा आपको, कुछ कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड बच्चे की जान लोगे क्या, जाओ यूज करो। राइट, सो ऑनेस्टली आई बीन यूजिंग दिस कार्ड, बहुत फायदा होता है। सो द अदर ऑफ कोर्स इज दैट कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली नॉर्मल लोगों के लिए इंश्योरेंस की जरूरत है नहीं, बट फॉर इंडियंस वी नीड इंश्योरेंस। द रीजन इज दैट कि हम जब वापस आएंगे थाईलैंड से हमको एक
कोविड आरटीपीसीआर करनी पड़ेगी, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया तो भाई लूटिया डूब गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेंस आपको एक $10,000 का मिनिमम इंश्योरेंस करना पड़ेगा। नाउ आई विल स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दिस थिंग। देयर इज डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल जहां पे हम लोग डिजिट इंश्योरेंस, पॉलिसी बाजार सबसे बात किया है। एडिशनली आई हैव स्पोकन टू एक्सा थाईलैंड ऑल्सो, ये सब पॉपअप आपको दिख रहा होगा। इन सबसे मैंने बात किया है, मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, अगर आपको थाईलैंड में कोविड हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान से देखना, फर्स्ट इंडिया से अगर कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट 10,000 थाई भात का तो मिलेगा नहीं, यूएसडी का मिलेगा नहीं, आपको 50,000 का लेना पड़ेगा, बट विच इज़ प्रीटी चीप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई थाई एक्सा थाई हो या फिर मिस्टर प्रकैन हो, ये सब टाइप लोगों से अगर आप करा लो, इंश्योरेंस क्लेम थोड़ा आसान हो जाता है। नाउ हैविंग सेड दैट, इसको लेके और एक कॉम्प्लिकेशन है, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जहाँ पे हमारे एक एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं जो अटके पड़े हैं फुकेत में, बिकॉज होटल ने उसको निकाल दिया है बिकॉज उनका कोविड आ गया था। अब ये वीडियो है, ये देख लेना आप। नाउ ऐसे चक्कर में वी हैव ऑल्सो डन वन मोर डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने एयरबीएनबी वालों से बात किया। दे सेड दैट आपका कोविड हो ना हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हमका एक्सटेंडेड बुकिंग नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बुकिंग 15 तारीख को खत्म हो रहा है और 12 तारीख को आपको पता चला आपको कोविड है, बिकॉज 2 या 3 दिन पहले आपको कोविड करना पड़ेगा ना वापस आने से पहले, तब अगर आपको पता चले कि आपका है, यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड द स्टे प्रोवाइडेड दे डोंट हैव अ बुकिंग। बट होटल वाले क्या कर रहे हैं, स्टेट निकाल दे रहे हैं। ये जो वीडियो है वो आपको वो आइडिया देगा क्या हो रहा है। सो दैट इज देयर, सो ये हो गया। एंड वाइल रिटर्निंग ऑफ कोर्स आपको आरटीपीसीआर का रिपोर्ट जो है, नेगेटिव रिपोर्ट जो है, वो एयर सुविधा में डालना पड़ेगा। एंड ये बेसिक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट का इज दैट कि आप जब इंश्योरेंस करा रहे हो, ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस आप जब करा रहे हो तो आपका मान लो रिटर्न 31 जनवरी है, एटलीस्ट 7th या 8th फेब का या फिर 10th फेब तक का करा के रखना, आपका लेंथ ऑफ जर्नी प्लस 7 to 8 डेज, बिकॉज अगर आपको हो गया तो 7 से 8 दिन आपको वहाँ रहना पड़ेगा, अगर वीज़ा नहीं है तो एक्सटेंड करने के लिए प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वीज़ा ऑन अराइवल को भी एक्सटेंड कर सकते हो, 1900 भात लगते हैं, बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं, देयर आर कपल ऑफ सेंटर्स विच आर देयर। अगर आप चाहो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू एक्सटेंड वीज़ा ऑन अराइवल इन थाईलैंड, 7 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है अनलेस देयर आर स्पेशल मेडिकल ग्राउंड्स। सो दैट्स हाउ इट इज़। यहाँ तक देखे हो तो दोस्त थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, आपको नो आइडिया कि अगर वो सब्सक्राइब बटन थोड़ा ऊपर होता रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।